हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं, हमारे देश में फल फूल पौधे यहाँ तक कि टहनियाँ और कांटे तक के बहुत सारे तांत्रिक उपाय बताए जाते हैं, और इनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फल है अनार का फल। आपने आज तक सुना होगा कि देवी दुर्गा को, लक्ष्मी माता को, काली माँ को अगर अनार का भोग लगाते हैं तो माता हमें वरदान देती है। आज मैं आपको बताऊँगी दोस्तों, हर फल का अपना अलग महत्व होता है, और जब हम अनार की बात करते हैं तो इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त माना जाता है। एक ओर तो स्वास्थ्य, दूसरी ओर जब हम धार्मिक दृष्टि या तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी देखते हैं तो अनार का बहुत बहुत महत्व होता है। तो इसके चूर्ण तक से बीमारियां कोसों दूर भागती है। रोज मनुष्य अगर एक अनार खा ले तो हकलाने, तुतलाने, जबान के अन्य दोष तक दूर हो जाते हैं। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो अनार के माध्यम से कोई भी मनुष्य अपनी किस्मत को चमका सकता है। बंद ताले अगर पड़े हैं आपकी किस्मत पे तो आप इसको खोल सकते हैं, और ये बात से शायद हर कोई अनजान है कि अनार के माध्यम से आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको अनार के फल के बारे में नहीं बताऊंगी, एक ऐसी लकड़ी के बारे में बताऊंगी, और वो है अनार की लकड़ी। इसके धार्मिक महत्व के बारे में आज मैं जब आपको बताऊंगी तो आप खुद दंग रह जाने वाले हैं कि अनार की लकड़ी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। शास्त्रों में माना जाता है कि अनार के पौधे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। इससे घर में लगाने से पैसों की वृद्धि होती है। अगर घर में पैसों की तंगी होती है तो वो घर से दूर भाग जाती है। अनार की लकड़ी का प्रयोग यंत्र तंत्र ऐसी साधनाओं में प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग यंत्र बनाने के लिए, जो तांत्रिक होते हैं वो यंत्र बनाने के लिए भी करते हैं। अगर आपके भी जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी चेष्टा करने के बाद आपके जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप अनार की लकड़ी से ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल सा है। महीने में एक बार जब राहु के स्वाति नक्षत्र आएंगे तो अनार की लकड़ी उस टाइम पे तोड़ करके आप घर ले आएं। अगर आपके घर पे अनार का पौधा है तो आप वो लकड़ी वहां से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको, लकड़ी तोड़ने से पहले पेड़ से आपको माफी जरूर मांग लेनी चाहिए। घर लाकर के उसे, उस लकड़ी पर आप चावल फल मिठाई चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर पूजा करें, और फिर उस अनार की लकड़ी को आप चांदी की ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन काले धागे में गले में पहन लें। ऐसा करने से आप देखेंगे, जहां एक ओर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिव एनर्जी आई हुई है तो वो दूर हो जाती है। अगर आपको लगता है कोई किसी ने आपके ऊपर कर्ज चढ़ा दिया है वो दूर होने लगता है, किसी प्रकार के गुप्त शत्रु होते हैं, अज्ञात शत्रु होते हैं, वो आपके जीवन से दूर होते हैं, और आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो उस काम में भाग्य आपका साथ देने लगता है। आपको ये ताबीज ध्यान रखना है, शनिवार के दिन ही पहनना है। तांत्रिक क्रियाएं जो हम करते हैं दोस्तों, वो अच्छे और बुरे दोनों के लिए की जाती है, लेकिन हमारे धर्म में ये परमिशन नहीं होता है कि आप किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए काम करें। क्योंकि आज मैं बता देती हूँ दोस्तों, अगर आप कोई भी ये तांत्रिक उपाय जो मैं बताती हूँ किसी और के नुकसान को देखते हुए आप अगर ये करते हैं तो आपका ये काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरे को छेड़ने के बजाय अपने बेनिफिट के बारे में सोचें, खुद जिंदगी में अपने आप को ऊपर उठाने के बारे में सोचें। अगर आप अपना कद ऊंचा कर लेते हैं तो सामने वाले का कद खुद ब खुद नीचा हो जाता है। इसलिए हमेशा कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आपको चेष्टा करनी चाहिए। मानव कल्याण के लिए अगर आप इन उपायों को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। जैसे जब किसी का प्यार रूठ जाता है, दो तरीका होता है दोस्तों। एक तो आप और लड़के लड़की हैं, जो भी हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो रूठ गए, आप उनको पाना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि जो लड़का है या लड़की है वो किसी और के चक्कर में, या फिर पति है या पत्नी है किसी और के, थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़ गए हैं, उनको आपको वापस लौटा के लाना है। एक और चीज होती है कि कोई होता है आपसे प्यार नहीं करता, एक तरफा प्यार जिसको हम कहते हैं, और उसमें आप किसी को वश में करना चाहते हैं, उन पर ये उपाय करते हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। क्योंकि किसी दूसरे इंसान के प्यार को पाना ये अच्छी बात नहीं होती है।
किसी भी अगर रूठे हुए प्रेमी या प्रेमिका पर या फिर किसी प्रेमी युगल का मिलन कराने के लिए आप ये उपाय करें तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर गलत तरीके से करेंगे तो ये अनुचित माना जाता है। क्या करना है आपको अनार की लकड़ी से? अपने पति या पत्नी को या अपने प्रेमी या प्रेमिका को वश में करने के लिए अनार की लकड़ी आपको तोड़ करके लानी है पूर्वा फागुनी नक्षत्र में। आप किसी से भी पूछ सकते हैं या खुद भी देख सकते हैं कि पूर्वा फागुनी नक्षत्र कब है नेक्स्ट, और फिर उस समय उस अनार की लकड़ी को उसी प्रकार से तोड़ के लाएं, क्षमा मांग ले पेड़ से तोड़ने के पहले, और धूप दीप दे करके उसको अपनी थाई भुजा में आपको बांध लेना है, यानी कि राइट हैंड के जो राइट आर्म है आपकी उसमें आपको इस लकड़ी को बांध लेना है। आप देखेंगे इस लकड़ी को बांधने के बाद हर कोई आपके वश में होने लगता है, हर कोई आपकी बात मानने लगता है। दोस्तों, अनार इंसान की किस्मत को बदलने की ताकत रखती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और अनार के पौधे के आप ये जो काम करते हैं इससे मनुष्य को माला माल होने तक में सहायक होता है। उपाय भी बता देती हूँ, धन लाभ के लिए आप अनार की डंडी का प्रयोग कर सकते हैं। महीने में एक बार, जिस तरह से आपको मैंने बताया, लाल कपड़े पे आप टहनी को बिछा करके रख दें और इसके बाद चार मुखी दीपक से टहनी की 5 बार आपको आरती उतारनी है। अब तांबे के लोटे में पानी रखें और कुबेर मंत्र का आपको जप करना है। कोई भी कुबेर मंत्र ले लें, उससे आप जप कर सकते हैं। फिर लोटे का पानी आपको पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ये पूजा आपको 21 दिन तक करनी है इस टहनी को। फिर पीले कपड़े में लपेट करके आपको तिजोरी में रख देना है। आप देखेंगे किस प्रकार धन वर्षा आपके घर पे चारों तरफ से होने लगती है। अचूक उपाय है दोस्तों, आजमाया हुआ उपाय है, आपको मैं क्लियर बताती हूँ। अनार की लकड़ी को आप ऐसे भी घर पे तोड़ के ला करके अपने पूजा स्थल पे भी रख देते हैं और रोज धूप दीप करते हैं, वो भी गजब का टोटका होता है। इसलिए अनार की लकड़ी आपको अपने घर पे जरूर रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर बच्चे आपके पढ़ते नहीं है, जो लोग बच्चों की मम्मियां हैं वो परेशान होती है, पापा भी आजकल तो बहुत सारी जिम्मेदारी लेते हैं सभी पापा लोग, तो वो पापा लोग के लिए अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो गुरु पुष्य नक्षत्र में अनार की टहनी इसी प्रकार से तोड़ करके ले आए। कैसे? क्षमा मांग के आपको तोड़नी है और फिर उसको गंगा जल से और दूध से धो लें। पूजा पाठ करने के बाद आपको इसको अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। कोई भी मंत्र आप बोल दें, अपने जो इष्ट देव का मंत्र है उससे आप अभिमंत्रित कर लें, और उसके बाद टहनी को पीले रंग के कपड़े में लपेट कर बच्चों के स्टडी रूम में पीले रेशमी धागे से लटका देना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आराम से इसको, जैसे वॉल हैंगिंग होती है या कुछ होती है, बड़ी सी लकड़ी ले ले, खूबसूरत सा उस पर छोटे छोटे धागे बेल्स बना के आप उसको किसी भी तरह से टांग सकते हैं, शोपीस जैसे बना के भी टांग सकते हैं, और फिर इसको बच्चों के स्टडी रूम में आप टांगे। आप देखेंगे कैसे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा चंचल है तो हनुमान जी का छोटा गदा आप बना करके इसी लकड़ी से, या फिर नॉर्मल आप कोई भी बाजार से गदा ला सकते हैं, उसको आपको अपने बच्चे के गले में पहनाने चाहिए। ऐसा करने से भी जो शैतान होते हैं बच्चे नॉटी ज़्यादा होते हैं, वैसे तो बच्चे नॉटी अच्छे लगते हैं, पर फिर भी हद से ज़्यादा अगर शैतानी करते हैं तो उन बच्चों को ये गदा पहना देने से बहुत बहुत फ़ायदा होता है। अनार के आपको 3 पौधे घर लाने चाहिए, घर के सामने पूरब दिशा में, या घर के सामने किसी पार्क में, या फिर आप किसी और तरफ आप देख सकते हैं, अगर आपके पास जगह है वहां पर लगा करके इन पौधों की देखभाल करें। जब आप देखेंगे पौधों में फल आने लगा तो आपकी किस्मत धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। और दोस्तों, हिंदू सभ्यता में तो पेड़ पौधों को घर में लगाना, उनकी उपासना करना बहुत ही खूबसूरत बताया गया है। इससे घर में खुशहाली रहती है, लक्ष्मी का वास रखता है। साथ ही साथ अब अगर आप घर में केले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ऐसे पेड़ हैं, इनको आप घर पर लगा लेते हैं तो समृद्धि प्रदान करती है। दोस्तों, आपने शमी का वृक्ष सुना ही होगा। शमी का वृक्ष में कई देवी देवताओं का निवास होता है, खास करके शमी के जो कांटे होते हैं इनका प्रयोग तंत्र मंत्र, बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए किया जाता है। इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो में, लेकिन आपको मैं बता दूं, शनिवार को अगर आप यज्ञ करते हैं शमी की लकड़ी से बेदी बना करके, तो माना जाता है मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। इवन माना जाता है कवि कालीदास को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्ञान की
प्राप्ति हुई थी। गणेश भगवान को शमी के वृक्ष की पत्तियां अर्पित करें, माँ दुर्गा को चढ़ाएं, शिव जी को चढ़ाएं, आप देखेंगे कैसी गुणकारी है ये औषधि एक तरफ और दूसरी तरफ ज्योतिष में कमाल करती है। आपको करना क्या है, धन रखने के स्थान पर एक पान का पत्ता ले लें और उस पर शमी की लकड़ी को काट कर रख लेते हैं। अगर आपके पास अनार की लकड़ी अवेलेबल नहीं है तो आप शमी की लकड़ी से ये उपाय कर सकते हैं और फिर उसको धन के स्थान पर रख लें। आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रखता। मनुष्य माला माल होता है, उसके घर से धन की जो प्रॉब्लम्स है बिल्कुल नदारद सी हो जाती है। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे जो लोग भी फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं उन सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर किया करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के अगर प्रॉब्लम्स हैं, प्रश्न हैं, आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।